तो आज के क्लास में हम ए आई ए टी सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री शिफ्ट वन के पेपर को सॉल्व करेंगे सेक्शन है मैथमेटिक्स इन टोटल थर्टी क्वेश्चन पूछे गए थे चलिए एक एक करके सारे सवाल बनाते हैं अब सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री आर रियल फंक्शंस देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ वॉट चार ऑप्शंस आपके पास है वैसे ये सवाल जो है इजी लेवल का है और पूरा पेपर ही इजी टू तो मॉडरेट लेवल का था तो मेरे हिसाब से आपको आउट ऑफ थर्टी आराम से ट्वेंटी फाइव स्कोर कर लेना चाहिए था इस पेपर में ठीक है चलिए आखिरी के पाँच सेकेंड आपके पास सो थ्री टू वन डन करेक्ट आंसर इस ऑप्शन ए अब ऑप्शन ए क्यों सही है ध्यान से देखना आपसे मांग रहे हैं क्या आप फाइंड कर सकते हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वैसे जी ऑफ एक्स है क्या सर जी जी ऑफ एक्स है टू एक्स माइनस थ्री यानी आपको फाइंड करना है एफ ऑफ टू एक्स माइनस थ्री इसका क्या मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन को देखिए अब एक्स को हटाइए और एक्स की जगह टू एक्स माइनस थ्री रखी है बस इतनी सी बात है तो यहां पर अब x की जगह हमको 2X -3 रखना है, तो हमारा इक्वेशन बन रहा है कुछ इस प्रकार ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो a माइनस बी दी होता है ये ये हो जाएगा 12X plus 3 square याने ये हो जाएगा जाएगा नाइन प्लस टू ये आंसर आ रहा है फोर एक्स माइनस टू एल एक्स उसके बाद ये है लेवन तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए में मौजूद है इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल कैलकुलस से आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दी एरिया अंडर द कर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्टवीन दी लाइन x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू थ्री इज वॉट इसके लिए तो मैं आपको बीस सेकेंड ही दूंगा इतना जल्दी यह बन जाना चाहिए कोई कठिनाई वाली बात नहीं है बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन है डेफिनाइट इंटीग्रेशन चलिए सो थ्री टू वन डन टाइम इज अप द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अब ऑप्शन ए क्यों सही है ध्यान से देखना सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व क्या होता है इंटीग्रल एक्स इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी ई डी एक्स ये है फॉर्मूला अब यहां पर शुरुआत हो रहा है टू से एंड होगा थ्री पर फंक्शन हमारा है एक्स स्क्र उठा करके सब कुछ सब्सिट्यूट कर दो सो इंटीग्रेशन टू टू थ्री एक्स dx बस यही तो सॉल्व करना है बेसिक इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री अपर लिमिट है थ्री लोअर लिमिट है टू वन बाई थ्री बाहर थ्री क्यूब माइनस टू क्यूब कितना होता है जी सर ये है ट्वेंटी सेवन माइनस एट यान बाई थ्री यह हमारा फाइनल आंसर सो यस नाइनटीन बाई थ्री मौजूद है ऑप्शन ए में सो a correct है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैं। अगले सवाल 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 को देखते अगला आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कितना समय दोगे सर जी? 15 बस। देखो, कुछ सवाल है जो जल्दी बन जाते हैं कुछ सवाल है जिसमें समय लगता है so, समय चुराव इन सवालों से और इन्वेस्ट करना कठिन सवालों में तो टाइम इज करेक्ट आंसर बी अब ऑप्शन बी क्यों सही है ध्यान से देखना एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन मांग रहे हैं dy/dx सो so, सीधा आंसर मैं लिख देता हूं dy/dx देखो 2 का पावर x इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2 का पावर x log 2 और फिर इसका डिफरेंशिएशन वी रूल में जाएगा यानी x into log x का डिफरेंशिएशन जो है 1/x log x into x का डिफरेंशिएशन जो है 1 हो गया अब इसको अगर आप सुलझाते हो तो ये है 2 का पावर x log 2 प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वन हो जाएगा प्लस लॉग एक्स ये है आपका फाइनल आंसर जो मौजूद है ऑप्शन बी में सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को देखते है, ये रहा इंटीग्रेशन का सवाल आपको मिलेंगे मात्र बीस सेकेंड इंटीग्रल ई टू पावर टैन इनवर्स एक्स अपन प्लस एक्स स्क्स का आंसर क्या है सो so, इंटीग्रेशन से बहुत सवाल हमें दिखाई दिए इस पेपर में इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आसान से सवाल है सब्सिट्यूशन टेक्निक करिए फटाफट से आंसर बताइए ईजी इंटीग्रेशन है चलिए सो द टाइम इज अप द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अगेन अब ऑप्शन ए क्यों सही है यहाँ पर फोकस कीजिएगा जैसी मैंने टेन इनवर्स एक्स को देखा मेरा दिमाग कहता है इसका डिफ्रेंसिएशन तो वन अपॉन वन प्लस एक्स है जो यहाँ पर बैठा है अगर ऐसी बात है तो कर लो सब्सटी तो हमने यहाँ पर किया सब्सटी ट्यूशन सो सब्सिट्यूशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं दैट टैन इनवर्स एक्स को अगर हम टी रखते हैं तो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा डी टी यानी इंटीग्रेशन अब बस इतना ही है e का पावर t डी टी जो क्या है e का पावर t प्लस सी री सब्सटीड्यूशन कर लेना ताकि अगेन आंसर x में आ जाए सो so, t हमारा tan इनवर्स x है यहाँ पर उठा करके सब्सटीड्यूट करते हैं सो ऑप्शन ए ईस करेक्ट ईजी चलिए आगे बढ़ते हैं इसको तो मैं टाइमर भी नहीं दूंगा दी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट जब एक्स को जीरो कर दिया तो वाई जेड बचा तो यार वाई जेड प्लेन है इसमें क्या ही डिस्कशन करना ठीक है सिंपल सी कहानी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं इस सवाल के लिए मैं दूंगा आपको पंद्रह सेकेंड इफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर स्क्वायर टू पावर टेन स्क्वायर एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स अरे सर ये तो कठिन मामला है डिफ्रेंसिएशन यू बाईवी इसके अंदर भी बहुत मेहनत है नहीं जी अरे इतना कठिन नहीं है ये हो गया टाइम इज अप करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्यू क्योंकि आपको इंडाइसिस का इस्तेमाल करना है आपको कहना है y इज इक्वल टू ये कैसा है x का पावर a अपॉन x का पावर b ये हो जाएगा x का पावर a माइनस बी एस पर इंडाइसिस सो x का पावर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस X, समझ मारिए बात और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है क्लास इलेवन में ये किसके बराबर है ये वन के बराबर है सो बेसिकली वाई आपका था एक्स का पावर वन और इसी का दो डिफ्रेंसिएशन मांग रहे थे सो डी वाई बाई डी एक्स इज जस्ट वन डन एंड डस्टेड ऑप्शन सी इज करेक्ट तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ तक का ये चैलेंजिंग है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कठिनाई वाली बात है बट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने इफ़ ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर, बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ए प्लस बी यहाँ पर दिया गया है तो लैमडा की वैल्यू बताइए बेसिक्स ऑफ वैक्टर कैलकुलस वैक्टर आइडेंटिटीज चलिए ये बीस सेकेंड में बन जाता है वो भी ज़्यादा है पंद्रह सेकेंड की कहानी है सो थ्री टू वन डन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अब ऑप्शन सी क्यों सही है फोकस कीजिएगा सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यहां पर हमको ए बार प्लस बी बार करना पड़ेगा ए बार प्लस बी बार करना है तो जो आई कैप के कोई है उनको ऐड करो सो थ्री प्लस फोर सेवन आई कैप फिर जे कैप के कोई ऐड करो माइनस एट प्लस थ्री सरजी ये है माइनस फाइव फिर के कैप के कोई को ऐड करो सर जी ये है वन माइनस लैमडा ओके फिर हमारे पास है गिवन गिवन वेक्टर क्या था सर जी गिवन ये था कि ए बार प्लस बी बार जो है वो सेवन आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप के बराबर है तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमको क्या पता चल रहा है वन माइनस लैमडा इज इक्वल टू माइनस थ्री सो लैमडा इज इक्वल टू वन प्लस थ्री यानी फोर ऑप्शन सी इज करेक्ट और इतना सब लिखने का जरूरत नहीं था अगर मैं आपके जगह होता एग्जाम में तो मैं बस ये देखता कि ए बार प्लस बी बार दिया है और मेरे को क्या फाइंड करना है लैमडा जो क्या है के कैप का कोई तो बस मैं इतना ही लिखता और कंपेयर करके आंसर बता देता बींग अ टीचर क्योंकि आप ये नोट्स को रेफर करोगे

ठीक है और अगर आता है तो सही आंसर को मार करेंगे जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये आंसर इज बी वो गलत कर रहे हैं और जिसने कहा है आंसर सी वो सही कर रहे हैं क्योंकि को फैक्टर क्या होता है सर जी यहाँ पर ये जो को फैक्टर है ना ये को फैक्टर होता है माइनस वन का पावर आई प्लस जे इन एम आई जे याद रखना ये चीज कि जब भी अगर आप को फैक्टर सी आई जे फाइंड करो तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है और ये जो अगर आपने मिस किया है उसकी वजह से आपको ये नेगेशन मिला नहीं होगा और जिसने ये यूज किया है उसको ये नेगेशन मिला होगा अब कैसे क्या करना है ध्यान से देखना सबसे पहले वो कह रहे हैं को फैक्टर किसका है थ्री एंड माइनस टू का तो आपको वो पोजिशन हाईलाइट करनी है थ्री यहाँ पर है और माइनस टू यहाँ पर है अब एक एक करके को फैक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले इसका फाइंड कर लेते हैं इसका पोजिशन क्या है सी टू वन ठीक है सो सी टू वन यानी यह होगा माइनस वन टू दावर टू प्लस वन एम टू वन ये एम क्या है माइनर टू वन ठीक है तो यहाँ पर कितना है माइनस वन का पावर थ्री माइनस एम टू वन एम टू वन यान यहाँ से ये देखो ये जो थ्री है ना यहाँ से एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट वही तो माइनर है तो चलिए अब अगर उसको हम निकालते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट जीरो माइनस टू फाइव सिक्स कितना आंसर आ रहा है सर जी ये आ रहा है माइनस टेन यस अब ये तो आपने निकाल दिया ये कट पेस्ट करके मैं आगे भेज देता हूँ ठीक है चलिए अब एक और हमको को फैक्टर निकालना है वो है को फैक्टर ऑफ माइनस टू माइनस टू किधर है इधर है और वो कौन सा पोजीशन है सर रो वन कॉलम थ्री सो माइनस वन का पावर वन प्लस थ्री इंटू एम वन थ्री माइनस वन का पावर फोर पॉजिटिव वन एम वन थ्री निकालना है अगेन टेक्निक क्या है यहाँ से एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट तो सर जी यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ रहा है थ्री माइनस वन फोर फाइव का तो यहाँ पर कितना बना फिफ्टीन प्लस फोर यानि नाइनटीन बना सो यहाँ पर यह नाइनटीन बना यहाँ से पेस्ट करो यहाँ पर अब फाइनली वो प्रोडक्ट मांग रहे थे दोनों को फैक्टर का तो हम क्या करेंगे अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कह देंगे आंसर माइनस टेन इंटू नाइनटीन दैट इज इक्वल टू माइनस वन नाइन्टी सी सो माइनस वन नाइन्टी इज देर इन ऑप्शन सी वो करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है बेसिक डेरिवेटिव से ये रहा तो थोड़ा सा स्मार्ट होना है आपको ठीक है अगर स्मार्ट नहीं रहोगे यहाँ पर तो दुविधा में फंसोगे बाकी ईजी सवाल है बीस सेकेंड में बन जाएगा चलिए इफ़ वाई इज इक्वल टू दिस थिंग यू इज इक्वल टू दिस थिंग फाइंड डी वाई बाई डी एक्स तो बहुत सारे सवाल हमको डेरीवेटिव एंड इंटीग्रेशन से दिखाई पड़ रहे हैं टाइम इज अप यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैसे करना है dy/dx मांग रहा है ना बट y तो u के टर्म्स में है और u x के टर्म में है तो मिलन करवा दो मिलन कैसे करवाए जो u आपका e का पावर x है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो अगर ऐसी बात है तो y हमारा तब्दील हो जाएगा u तो हमारा e टू तो दी पावर x है सो u स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा प्लस लॉग u u हमारा क्या है e का पावर x है तो यहाँ पर हम कहेंगे y इज इक्वल टू ई का पावर 2x एक्स प्लस ये लॉग e का पावर e x क्या है ये x है कैसे ये x बगल में आ जाएगा और लॉग e वन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर x आ जाएगा जैसे ही आपको y मिल गया अब dy वाई बाई निकालना बड़ा आसान है कैसे होगा e टू दावर टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ईड टू एक्स इन पावर का डिफ्रेंसिएशन आगे तो यहाँ पर आंसर कितना है टू प्लस x का डिफ्रेंसिएशन ये है वन तो आपको आंसर मिल गया वन प्लस टू टाइम्स इट दावर टू एक्स चलिए आगे बढ़ते हैं वेक्टर से एक और सवाल बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स कोई कठिनाई वाली बात नहीं ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है दोनों ऑर्थोगोनल है बस लैमडा आपको बताना है तो बताइए डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगनल है तो डॉट प्रोडक्ट उसके बीच में जीरो होगा चलिए सो थ्री

फिर के कैप के कोशन मल्टीप्लाइड इक्वेटी टू जीरो यहाँ पर ये बन रहा है ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस लैमडा दैट इज इक्वल टू जीरो सो लैमडा इज इक्वल टू सिक्स ऑप्शन ए इज करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा रूट टू प्लस रूट टू टाइम्स वन प्लस कॉस फोर थीटा इज वॉट ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है आसान सवाल अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्लियर है आराम से बना लोगे बीस सेकेंड में चलिए सो फाइव फोर थ्री टू वन डन टाइम इज अप यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्यों सही है ध्यान से देखना सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ कि कॉस फोर थीटा जो है वो है टू टाइम्स कॉस स्क्वेयर टू थीटा माइनस वन अब यहाँ पर सब्शिट्यूट करो सब्सिट्यूट करोगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार से तब्दील हो जाएगा टू प्लस रूट टू टाइम्स वन प्लस हमारा है टू कॉस स्क्टा माइनस वन ठीक है जी अब यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है सर जी यहां पर वन माइनस वन कैंसिल हो रहा है और जो बच रहा है वो ध्यान से देखना टू प्लस रूट टू इंटू टू फोर हो गया फिर कॉस स्क्वेयर टू ठीटा ठीक है कॉस स्क्र टू ठीटा अब इन चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ आगे लेकर चलता हूँ ताकि कैलकुलेशन हम आराम से कर सकें अब यहाँ पर रूट के वजह से क्या होगा रूट फोर टू हो जाएगा और रूट कॉस स्क्वेयर टू थीटा, रूट और स्क्वेयर कट जाएगा कॉस टू थीटा बच जाएगा तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा रूट टू प्लस टू कॉस टू थीटा। और यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं सर जी हम ये काम कर सकते हैं दैट टू को कॉमन बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस्ट टू थीठा अगेन वो जो हाफ एंगल का फॉर्मूला है अगर वो यूज करोगे तो आप कहोगे टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा अब ये क्या होगा टू इंटू टू फोर रूट फोर टू और रूट कॉस स्क्र ठीटा रूट ऑस स्क्वेयर कट जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा सो टू कॉस्ट थीटा इज द आंसर ऑप्शन भी करेक्ट है कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर मज़ा नहीं आया मज़ा नहीं आया तो ये लो ये मेथड वन है एग्ज़ाम में अगर आप चाहो तो इस सवाल को एक और मेथड से बना सकते हो चलो कैसे क्या बनाना है वो भी बताता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे अरे सर जी हमको तो वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है वो तो याद ही नहीं रहती है अरे सर जी हमसे तो ऐसे में बनता ही नहीं है अरे तो टेंशन क्यों लेते हो ये लो मैंने कॉपी कर लिया सवाल सब कुछ इरेज करेंगे टेंशन मत लो जो नोट्स फोल्डर है उसमें आपको दोनों मेथड मिल जाएंगे है ना ये मैंने स्लाइड को कॉपी किया है देखो आपको चाहिए मेथड वन ये लो मेथड वन और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड टू फोकस कीजिएगा मेथड टू है टेक्निक 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 क्या है फेवरेट जहाँ पर हम कहेंगे कि लेट लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर इससे होगा क्या अब जो सवाल है क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो जाएगा रूट टू प्लस रूट टू टाइम्स वन प्लस कॉस फोर इंटू पाई बाई फोर यानी कॉस पाई राइट अब कॉस पाई कितना होता है माइनस वन होता है सो वन माइनस वन जीरो हो गया जीरो हो गया यानी ये पूरा कट गया ये पूरा जीरो हो गया देखो ध्यान से कैसे हो जाएगा ये रूट टू प्लस उसके बाद है रूट टू इंटू वन माइनस वन तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है रूट टू क्योंकि ये हमारा जीरो हो गया है राइट right? तो हमारा क्वेश्चन है रूट टू अब हमको पहचानना है के ऑप्शन में रूट टू कौन है वेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर बस इतनी सी बात है अगर इतना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा चलिए कट पेस्ट का बिन्स करते हुए यहाँ से ऑप्शंस को कॉपी करते हैं अगले साइड में पेस्ट करते हैं एक एक करके अब ऑप्शंस पर करेंगे चर्चा अरे हमको डिज़ाइन आइडियाज नहीं चाहिए जना फोकस करो यहाँ पर कि जब टीटा को रखा गया पाई बाई फोर तो ऑप्शन ए कितना हो गया टू टाइम्स कॉज ऑफ टू इन टू पाइव बाई फोर ये पाई बाई टू हो गया और कॉस पाई बाई टू तो जीरो होता है तो जीरो हो गया जी अच्छा ये कितना हो गया टू टाइम्स कॉस पाई बाई फोर कॉस फाइव बाई फोर तो वन बाई रूट टू है टू तो रूट टू इंटू रूट टू होता है तो अगर डिवाइड बाई रूट टू करेंगे तो यहाँ पर रूट टू बच जाएगा ये हमारे आंसर से फिलहाल मैच कर रहा है ठीक है सारे ऑप्शन चेक करने के बाद ही हमको निष्कर्ष लेना है कंक्लूजन लेना है नहीं तो यहाँ पर आप कंक्लूड मत कर देना कि हाँ अभी आ गया सर जी ने कहा था सब्सिड्यूशन करोगे जब भी कोई पहला आ जाता है मिल गया तो आगे बढ़ो ऐसा नहीं है सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं सो रूट टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाई फोर ये तो रूट टू बाई रूट टू ये तो वन हो गया जी ये तो हमारे आंसर के बराबर नहीं है फिर अगर अंदर चेक करें तो टू टाइम्स कॉस पाई बाई फोर ये कितना हो रहा है सर ये हो रहा है रूट टू इंटू वन बाई रूट टू ये कैसा हो गया ये रूट ऑफ रूट टू हो गया ये तो गलत बात है जी ये तो हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो एक ही तो मैच कर रहा है अब बी ठीक है हमको चाहिए था रूट टू जो प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में इजी मेथड टू समझ में आया सब सीड्यूशन टेक्निक ये वाला मेथड वन भी ईजी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्रोवाइडेड आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके सामने दी मैक्सिम वैल्यू ऑफ वाई जी इक्वल टू टेन इन वर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ऑन दी क्लोज इंटरवल इज वॉट ट्रिक मैंने आपको कहा था मैक्सिमम मिनिमा जब भी क्लोज इंटरवल में पूछा जाए तो कॉर्नर पॉइंट्स पर चेक करो उधर ही होता है बताइए फिर और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं मैक्सिमा का पॉइंट मिनिमा का पॉइंट नहीं पूछ रहे हैं और वो हमको ऑप्शन से पता भी चल रहा है चलो फाइव फोर थ्री टू वन डन द करेक्ट आंसर इज पाई ऑप्शन ए अब ऑप्शन ए क्यों सही है ध्यान से देखना सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जब चेक किया तो यहां पर वाई कितना बना टैन इनवर्स वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो यानी टैन इनवर्स वन याने, याने पाई बाई फोर ठीक है सीधा मार्क नहीं करना है पाई बाई फोर आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू वन ऑल्सो फिर दोनों में जो बड़ा उसको हम जो विजेता है वो घोषित करेंगे क्योंकि विजेता कौन होगा बाहुबली मैक्सिमम ठीक है तो यहाँ पर y फोर में कौन बढ़ा पाई बाई फोर बढ़ा तो कौन है आंसर ऑप्शन ए है ठीक है ईजी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन अगेन आपके मैट्रिक्स से ये सवाल चलिए बताइए क्या है आंसर तीन इक्वेशंस तीन अननोन और वो आपको खोजने हैं यहाँ पर ठीक है जी अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर अभी मत कहना कि हम आपको दे रहे हैं ओनली बीस सेकेंड या तीस सेकेंड सर इसमें तो हमको सॉल्व करने में समय लगता है ठीक है हम वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ठीक है ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे हाँ हाँ बहुत सारे तरीके हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम निकालने के बट 30 सेकंड से ज़्यादा आपको यहाँ पर लेना ही नहीं था क्योंकि करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और सोल्यूशन का मतलब क्या है मैंने क्या समझाया था सोल्यूशन वो है जो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको यहां पर करना था चेक थ्रू ऑप्शन अगर हमारे ऑप्शन सारे के सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ एक या दो नहीं तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो ऑप्शन सही और अगर एक भी इक्वेशन पर कहीं पर वो फेल हो गया तो वो ऑप्शन गलत इजी अब यहाँ पर हमने ऑप्शन ए को लिया और पुट किया हमारे पहले इक्वेशन में ठीक है जब पहले इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ पर क्या है थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू टू माइनस सिक्स इंटू वन तो यहाँ पर थ्री प्लस फोर सेवन माइनस सिक्स वन के बराबर आ रहा है सो यस एल एच एस इज आर एच एस वैसे ही अब आपको सेकेंड इक्वेशन देना है ठीक है तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन यहाँ पर टू माइनस सिक्स यानि माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन के बराबर बन रहा है सो यस अगेन एल एच एस अब ये आखिरी इक्वेशन चलो इसी में से हम पास ऑन करते हैं और थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं कि यहाँ पर एक्स की जगह वन वाई की जगह टू जेड की जगह वन तो यहाँ पर टू माइनस एट माइनस सिक्स आ रहा है अगेन

सिस्टम से सवाल है बेसिक से सवाल है एवरी थिंग दे आर आस्किंग तो यहाँ पर ए एंड बी दो मैट्रिक्स है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी बताना है ठीक है जी चलिए तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है आपको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है पहले ए प्लस बी जनरेट करना है फिर डिटर्मिनेंट खोजना है चलिए तीस सेकेंड पर्याप्त है यहाँ पर फाइव फोर थ्री टू वन डन डस्ट एड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अब कुछ स्टूडेंट सारस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं पर जरूरत नहीं था आपकी नजरें जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए देखो जब ए प्लस बी क्रिएट किया तो यहाँ पर डिटर्मिनेट ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो मैट्रिक्स कैसे बन रहा था वन प्लस वन टू उसके बाद हमारे पास है टू प्लस वन फिर थ्री प्लस वन जो है फोर वैसे ही आगे बढ़ो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ये हमारा डिटर्मिनेंट है उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया होता तो जल्दी से आंसर आया होता चलो मैं इधर ऑपरेशन की कहानी बता देता हूँ दैट रो थ्री को चेंज कर रहे हैं एज रो थ्री माइनस रो टू फिर रो टू को चेंज कर रहे हैं एज रो टू माइनस रो वन देखो जब इसको इससे सब ट्रैक किया तो कितना आया तीन इसको इससे सब ट्रैक किया कितना आया तीन इसको इससे सब ट्रैक किया कितना आया तीन फिर इसको इससे सब ट्रैक किया कितना आया 3. तीन इसको इससे सब ट्रैक किया कितना आया तीन इसको इससे सब ट्रैक किया कितना आया तीन सर रो टू और रो थ्री के एलिमेंट सेम है और आपने कहा था कि जब भी दो रोज़ या दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो जाए तो उस केस में डिटर्मिनेंट का आंसर होता है जीरो देर फॉर द आंसर जीरो समझ मारिए बात प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके बता दूंगा टेंशन मत लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो तो अनचेंज था बाकी रोज चेंज हो गए ठीक है उनके एलिमेंट्स थ्री हो गए फिर हमने क्या कहा सिंस टू रोज आर सेम देर फोर डिटर्मिनेंट इज जीरो डन सो ऑप्शन एज करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने दी समी डिस्टेंसिस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस एंड ओरिजिन टू दिस इज वॉर ठीक है सम निकालना है पहले डिस्टेंस ओरिजिन टू दिस डी वन फिर यहाँ से डी टू फिर डी वन प्लस डी टू कीजिए आंसर बताइए कोई कठिनाई वाली बात नहीं है थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर है अगर उधर भी थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हो तो जल्दी हो जाता है ठीक है दस पंद्रह सेकेंड में बना लोगे पर अगर उतने स्मार्ट नहीं हो फिर क्या ही करें हम चलिए फाइव फोर थ्री टू वन डन डस्टेड एक बेसिक सा आप मेरे को बताओ ये सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा जब दो डिस्टेंस को ऐड कर रहे हो ठीक है डिस्टेंस में हमेशा वो एलिमेंट स्क्वेयर्स में जाते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू दी होल स्क्वेयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू दी होल स्क्वायेर सब सब पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज है नेगेशन तो का तो सवाल ही नहीं है अगर बेसिक रीजनिंग भी कर लेते हैं ना तो यहाँ पर मैं कहा ना कि वो लाओ कि कहाँ से बेसिक रीजनिंग आप है ना ऑप्शन डी इस करेक्ट हाँ अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड मेथड भी बता दो कई एग्जाम में नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड मेथड पूछ ले तो हम क्या करेंगे देखो पहला हमारा डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ पर ठीक है सो डी वन जो होगा स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर सो जीरो स्क्वायर फिर वाई टू माइनस वाई वन ये वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर ये फिर z2 टू माइनस जेड वन दी होल स्क्वायर ये चलो तो यहाँ पर कितना आ रहा है रूट 25 फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव रूट 50, जिसको आप कह सकते हो रूट ट्वेंटी फाइव इंटू टू यानी फाइव रूट ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई चलो इस कैलकुलेशन को आगे लेकर चलते हैं पेस्ट करते हैं अब डिस्टेंस 2 की चर्चा करते हैं ठीक है ये रहा हमारा सेकंड डिस्कशन डिस्टेंस 2 और डिस्टेंस 2 जो निकालना है वो मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक निकालना है ओरिजिन से लेकर के फाइव

तब आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर आपका है D1 वन प्लस डी टू फाइव कॉमन आ गया अंदर आ गया रूट टू प्लस रूट फाइव डन एंडस्टेड और ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ईजी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ये रहा इंटीग्रेशन से इंटीग्रल टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्सक्वेयर माइनस टू एक्स डी एक्स इज बॉट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली शिद्दत तरीके से पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे बट रुको जरा पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करना ही नहीं है देखो लॉग एक्स माइनस वन लॉग मॉड एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस टू और एक ये माइनस टू मेजोरिटी प्लस टू की है तो प्लस टू में ही आंसर होना चाहिए ऐसा एक सुझाव रहता है ठीक है अच्छा वो भी हम फिगरेट आउट कर लेंगे कि माइनस टू था या प्लस टू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट दिक्कत कहाँ पर है आपको पता है कोई फिशंस कोई पर निगाह रखो और कोई अगर आप ढूंढ लिए ना स्मार्टली आंसर मिल जाएगा देखो इसका कोई ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में सेम है इधर खोज लो आंसर आ जाएगा चलिए बहुत ज़्यादा समय दे दिया हमने आपको टाइम इज अप यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है जी चलिए मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ फिर हम खोजेंगे साथ में मिल करके सबसे पहले हमको पार्शल फ्रैक्शन की ज़रूरत है ठीक है यहाँ पर मैंने कह दिया नो नीड टू सॉल्व इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ लवली ऑप्शंस ठीक है मैं ऐसे हैं बिकॉज ऑफ स्वीट ऑप्शंस है ना ऐसे लिख देता हूँ

अब पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत बिल्कुल है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस प्रकार से है टू एक्स प्लस थ्री और जो नीचे था वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स था उसमें से एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ठीक है अब यहाँ पर अभी भी बात बनी नहीं है थोड़ी सी मेहनत और है क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक है उसके फैक्टर्स निकल सकते हैं कैसे निकलेंगे जब प्लस माइनस है तो फैक्टर्स के अंदर भी प्लस माइनस ये ट्रिक मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू एड करने पर प्लस वन ये कैसे होगा सर प्लस टू माइनस वन से होगा मल्टीप्लाई करें तो minus two ऐड करें तो plus one हो गया ठीक अगर हो गया तो यहाँ से ही पता चल गया ना क्या पता चल गया चलो तो इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ आगे ठीक है आगे हम कॉपी करेंगे और अब कहेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम इसको कह सकते हैं a by x plus b by x plus two plus c by x minus one अब नीचे देखना x x plus two x minus one x x plus two x minus one तो यहाँ पर x प्लस टू था तो x माइनस टू का कोई जरूरत नहीं ये बात तो हो गई क्लियर अब x माइनस वन का ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो फाइव बाई थ्री है हमें पता है ना हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यानी c को फाइंड करने की जरूरत नहीं है एन बी को फाइंड करो बात खत्म अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कोई कहेगा सर ये पूरा डिनोमिनेटर थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ फिर करूंगा इज 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 ऐसे करते हुए सारे से निकालूंगा वेल एंड गुड जा सकते हो कुछ स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो उन्हें पता है कि रेसिड्यू के कॉन्सेप्ट से जल्दी निकल सकता है वो एक ट्रिक है और जिसको नहीं आता है वो ट्रिक शॉर्टकट में बता देता हूं देखो अगर ए निकालना है ना तो आपको क्या करना है ए का जो डिनोमिनेटर है बस इसको मल्टीप्लाई करवा दो पहला स्टेप ठीक है तो यहाँ पर हमको ए निकालना है तो जो डिनोमिनेटर था इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2x plus 3 डिवाइड बाई डिवाइड बाई x into x plus 2 into x minus 1 उसके बाद x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ए का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए सर वो तो होगा एक्स इजी इक्वल टू जीरोस अब एक्स इजी इक्वल टू जीरो a की वैल्यू निकल आ जाएगी ट्रिक सिंपल तो x x यहाँ से कट गया फिर यहाँ पर जीरो पुट करने के बाद जो आंसर बचा है दैट इज थ्री बाई टू इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू अब जब माइनस थ्री बाई टू को देखा तो यहाँ पर कौन कट गया सर जी बात खत्म ही हो गई ये देखो ये देखो सिर्फ ये निकालने से ही पता चल गया दैट ऑप्शन बी इस एब्सोल्युटली करेक्ट इजी आगे जाने की जरूरत नहीं और अगर आगे जाते इसी ट्रिक से बन भी जाता देखो ये जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है X plus 2, इसको मल्टीप्लाई कराओ फिर की ऐसी वैल्यू जिससे का जीरो हो जाए minus 1 by 6, ठीक है बट फिलहाल ए पर ही बात हो चुकी है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं इफ टू वन बाय प्राइम ग्रेटर देन फाइव इज वॉट बहुत ही बढ़िया सवाल है तो मैं तो आपको दूंगा यहाँ पर 40 सेकेंड क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि दो डाई आपने थ्रो किया अब सम आएगा ठीक है वो सम कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर एंड ग्रेटर देन फाइव भी होना चाहिए दोनों है तो कॉशियसली देखना पड़ेगा कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर एक मिनट दे दो ले लो ठीक है 40-50 सेकेंड तो ले ही लो आप ठीक है डिनोमिनेटर सभी को पता है प्रोबिलिटी में यहाँ पर रिक्वायरमेंट बाय टोटल होता तो है तो टोटल 36 सिक्स आउटकम्स है रिक्वायरमेंट में कितने केसेस है यही चैलेंज है यह खोज लिए तो बात हो जाएगी खत्म और इतना भी कठिन नहीं है ठीक है चलिए सो थ्री टू वन डन डस्टेड द करेक्ट आंसर इज सी क्यू है चलिए अभी देखते हैं